नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक उपाय वशीकरण से संबंधित। मैं पिछले वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि आप वशीकरण का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि किसी भी चीज का दुरुपयोग आपको अपने मार्ग से भटका सकता है। इसलिए प्रयास ये करें कि वशीकरण हमें दुर्लभ स्थितियों में ही करना चाहिए। कई बार वशीकरण आवश्यक भी होता है, पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाए, या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी स्थितियां फंस रही हैं जहां पर वशीकरण अत्यंत आवश्यक है, वहां तो ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो ये आपको अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट कर सकता है और आप नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए इसका दुरुपयोग कतई ना करें। बहुत साधारण सी, बहुत छोटी सी विधि आपको बताने जा रहा हूँ, माँ भगवती का ही उपाय है। अगर आप इसे पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम करेगा, क्योंकि वशीकरण के पीछे आपकी अपनी श्रद्धा, आपका अपना विश्वास, आपकी आस्था और आपकी संकल्प शक्ति, ये बहुत मायने रखती है, ये बहुत गहराई से काम करती है, ये आधार है उसका। अगर ये चीज़ लेकर आप नहीं चल सकते तो वशीकरण मात्र एक क्रिया होकर रह जाती है और उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता। तो इस क्रिया में आपको एक साफ सुथरा पीपल का पत्ता लीजिए और उसे आप शनिवार वाले दिन पेड़ से ले लीजिए और उस पत्ते को साफ कर लें, धो लें गंगा जल से या साफ पानी से, एक तरफ रख लीजिए। फिर फोटो लीजिए जिन दो व्यक्तियों के बीच में आपको संबंध अच्छे करने हैं या वशीकरण करना है, उनके फोटो लीजिए। फोटो के पीछे आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं दोनों तरफ और उन फोटो को चेहरे मिलाते हुए इस प्रकार से मिला दें। दोनों फोटो को इस प्रकार मिलाएंगे उनके चेहरे बिल्कुल आमने सामने। अब उसको मोड़ दीजिए और जो पीपल का पत्ता है उस पीपल के पत्ते पर इस साइड में इधर पीछे की तरफ मुड़े हुए दोनों फोटो को यहां रखिए और लपेट दीजिए पत्ते में। लपेटने के बाद इसे आप एक कलावे से या रोली से लिपटे धागे से इसको लपेट दीजिए और इसे एक तरफ रख लीजिए, अपने पूजा के स्थान में ले जाएं या कहीं गुप्त स्थान पर ले जाएं और पूर्व दिशा में इसे आप पत्थर के नीचे दबा दें। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है और अंत में भी करना है। वो मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम क्लीम ज्ञान नाम चेतान से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते क्लीम। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, वहां से इस मंत्र को ले सकते हैं और इस मंत्र को पूरी प्रक्रिया के दौरान आप मन मन में बोलते रहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया में बोलने से इस उपाय की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसे आप सच्चे हृदय से करें, इसका सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए आभारी हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ जिससे उनको भी लाभ मिले। नमस्कार, शुभ रात्रि।